खोले भाई साहब, आज स्पीकर का इलेक्शन है जी सर, उसी के हवाले से जनाब स्पीकर उसी के हवाले से जनाब स्पीकर, इसी अगस्त हाउस का आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कॉन्डक्ट गला साफ कर ले, मेरे ख्याल है गड़बड़ हो रही है सर, गला खराब होना है जब यहाँ पे बेजाब क्या होंगी तो हमें नाराबाजी तो करनी पड़ेगी, गला खराब ही होना है, एहतियात से करें। ये तो सर गला खराब हुआ, गला कट जाए फिर भी हम लोग यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, यहाँ पे सिर काट जाए हमने इस लीडर इमरान खान को यहाँ पे लाना ही लाना है, हमारा खून यहाँ पे हम लोग अपना। थैंक यू जनाब जी, प्लीज शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए। ये इलेक्शन ऑफ द स्पीकर है, आज तो बड़ा अहम दिन है, आपको पता है जी। जी उमर अयूब साहब, जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर मैं आपकी अटेंशन मंजूर करना चाहता हूं कि एज पर रूल 17 ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस, इस हाउस में इस वक्त स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद हैं, जो कि फॉर्म 47 की वजह से गलत तरीके से आए हुए, वो इस हाउस के प्रोसीजर का, इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो उन्होंने अवाम की मैंडेट पे डाका डाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको इस हाउस से बाहर निकाला जाए। थैंक यू, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें जी, बस आ गया आपका पॉइंट, आ गया आपका पॉइंट, आ गया, आप तशरीफ रखें। देखें उमर अयूब साहब, all those who have been notified by the election commission are the honorable member of this august house, please ji। आप लोगों का हक है, आप बेशक एहतजाज करें जो भी करें, लेकिन इस हाउस की कार्रवाई को भी चलने दें। अगर आपका स्पीकर ही नहीं होगा, आप इलेक्शन में ही नहीं जा सकेंगे, तो पहले ये शुरुआत करें ना। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो मैंने दे दिया है, अब उनका हक बनता है, फिर अगर कोई बात करना चाहता है तो। देखें आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ तो रखें ना अपनी सीटों पे, प्लीज काइंडली। देखें उमर अयूब साहब, आपने फरमाया और मैंने फौरन आपको दे दिया फ्लोर, अभी आप तशरीफ रखें। देखें एजेंडे की कार्रवाई को मुझे मुकम्मल कर लेने दें, मैं सबको सुनूंगा। आपको ये भी पता है, अगर आप ये मुझसे रूलिंग लेना चाहते हैं, तो जो ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड कर दिए हैं, दे आर द रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। ये आप बाहर लड़े लड़ाई, प्लीज तशरीफ रखें। आर्टिकल 65 के तहत उन्होंने यह हलफ लिया है, आप तशरीफ रखें। जिस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने हलफ लिया है, उसी आर्टिकल के तहत उन्होंने हलफ लिया है। ये फोरम नहीं है, दिस इज नॉट द फोरम। आप इलेक्शन में कमीशन में जाएं, आप कोर्ट में जाएं जी। सो इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, लेट्स गो अहेड विद आवर आइटम नंबर 3। Today, the members of the National Assembly will elect their Speaker and Deputy Speaker. There are 2 validly nominated papers for the election of Speaker. So, the member